मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश पूरी शिद्दत के साथ करेगा और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 350 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दिल्ली में खेल अलंकरण समारोह में पहुंचे शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकादमियां स्थापित हैं और इसमें लगभग 900 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 38 पदक जीतकर मध्य प्रदेश ने टॉप 10 प्रदेशों में जगह बनाई थी। उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले इन खेलों के आयोजन को पूरी दुनिया देखेगी। खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मध्य प्रदेश में बनाने की हमने कोशिश की और इंफ्रा भी ऐसा, कभी आप शूटिंग अकादमी आप आके देखिए हमारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमने बनाने का प्रयास किया है। अपने खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं अकादमी में भी मिले लेकिन हर जिले में मिले, इसलिए खेलों के स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, कोचिंग की व्यवस्था, प्रशिक्षण केंद्र 171 हमारे चल रहे हैं, बाकी और बन हम शुरू कर रहे हैं। अब खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में होगा और पूरा हिंदुस्तानी पूरी दुनिया देखे, ऐसा आयोजन करने का हम प्रयास करेंगे।